सोमवार को प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन के आह्वान पर कराए गए शैक्षिक बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। एक ओर जहां अजमेर के मिशनरी स्कूलों ने इस बंद से दूरियां बनाए रखी, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूल बंद रहे। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कलेक्ट्रेट पर धरने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन सरकार की शह पर उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहा है। राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन ने सोमवार को प्रदेश भर में निजी स्कूलों में शैक्षिक बंद की घोषणा की थी। अजमेर में इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बंद से जिले के अधिकांश मिशनरी स्कूलों ने दूरियां बनाए रखी और आम दिनों की तरह स्कूल का संचालन किया, लेकिन शहर के कुछ स्कूलों को छोड़कर शेष ने बंद का समर्थन करते हुए स्कूल बंद रखे। वहीं एसोसिएशन द्वारा कलेक्ट्रेट पर धरने प्रदर्शन की घोषणा की गई थी, लेकिन प्रशासन ने एसोसिएशन को इसकी अनुमति नहीं दी और कलेक्ट्रेट पर लगाए जा रहे तंबू को प्रशासन ने उतार दिया। गौरतलब है कि यह शैक्षिक बंद फीस निर्धारण समिति और निजी स्कूलों के साथ किए जा रहे कथित भेदभाव के खिलाफ रखा गया था। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से ऑल राजस्थान बंद का आह्वान किया गया है, जिसका संपूर्ण विद्यालयों का सहयोग रहा, जिसमें परीक्षाएं थी उनसे उनको वंचित किया गया है। कठोर विरोध, काला कानून का विरोध करते हैं और अपील करते हैं कि इस कानून को राजस्थान सरकार से तुरंत समाप्त किया जाए और आरटी के अंदर 17,000 से कम फीस लेने वाले को सभी को मुक्त किया जाए, जो मूलभूत सुविधा के आधार पर तय की जाए और कैटेगरी निश्चित की जाए। किसी प्रकार के हमें आर्थिक सहायता नहीं देते हुए भी हम हमारे पूंजी लगाते हुए भी हम शिक्षा के क्षेत्र में आपको योगदान दे रहे हैं। सरकार से जितनी भी योजनाएं लागू होती है निजी विद्यालयों को, चाहे वो मेरिट में हो, चाहे साइकिल हो, चाहे लैपटॉप हो, आज सरकार अपना नामांकन बढ़ाने के लिए अभिभावक को प्रेरित कर रही है कि हम ये देंगे, 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, निजी विद्यालय में मत जाओ। ये कौन सा शौचालय व्यवहार है? सरकार निजी विद्यालय को शौचालय व्यवहार बंद करे, क्योंकि मान्यता प्राप्त अंगे अंग है सरकार, हम निजी विद्यालय का अंग है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार जो ये फीस एक्ट लागू करने जा रही है ये बिल्कुल गलत है। अगर सरकार इन फीस एक्ट को लागू करेगी तो निजी शिक्षण संस्थाएं बंद होने के कगार पर आ जाएगी, और अगर निजी शिक्षण संस्थाएं बंद होने के कगार पर आ जाएगी तो हम शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होएगा। अगर हम सब शिक्षक फीस एक्ट लागू करने से बेरोजगार हो जाएंगे और हमारे घर परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए हम सरकार से ये अपील करते हैं कि फीस एक्ट को सरकार वापस ले और इसे निजी शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं करें। सरकार देख रही है कि महंगाई तो तेजी से बढ़ रही है, पर शिक्षकों का वेतन वहाँ का वहीं है। अगर फीस नहीं बढ़ेगी बच्चों की तो शिक्षक खाएंगे कैसे? ना उनकी फीस बढ़ेगी, ना स्कूल का जो उन्नति होगी वो भी नहीं हो पाएगी। हम शिक्षकों के ऊपर बेरोजगारी का संकट आ जाएगा। वैसे ही बहुत भयानक रूप से बेरोजगारी फैली हुई है। देखा जाए तो पढ़े लिखे लोगों को भी, बीएड करे वाले टीचर्स भी ऐसे ही घूम रहे हैं। उनको रोजगार दिलाने की व्यवस्था क्या सरकार कर रही है? अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ भारतीय मजदूर संघ द्वारा सोमवार सुबह हाथीभाटा स्थित पावर हाउस पर मौन प्रदर्शन किया गया। संघ के संयुक्त सचिव विनीत कुमार जैन ने बताया कि अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध में किए जा रहे आंदोलन के तहत आज हाथीभाटा पावर हाउस पर मौन प्रदर्शन करने के बाद हाथीभाटा से आगरा गेट सब्जी मंडी पर मौन जुलूस निकालकर आमजन को जागरूक किया गया, क्योंकि बिजली व्यवस्था निजी हाथों में देने से ठेकेदार और निजी कंपनी उपभोक्ताओं से भी मनमानी करेंगे। यह आज का हमारा कार्यक्रम अजमेर शहर की विद्युत व्यवस्था को निजी हाथों में देने की योजना सरकार ने बनाई है, उसके विरोध में मौन प्रदर्शन करके है। हमने सरकार को बराबर लगातार आंदोलन करके जता दिया है कि इस तरह से आपका निजीकरण का जो कार्यक्रम है यह जनता के साथ धोखा है और श्रमिकों के साथ धोखा है, और मैं ये तो कह सकता हूँ सबसे बड़ा ये फ्रॉड होगा। इसका कारण ये है कि बार बार ये शर्तें चेंज कर रहे हैं। विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के अजमेर शहर के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हाथीवाटा पावर हाउस के बाहर गेट से और आगरा गेट चौराहे तक एक मौन प्रदर्शन किया और अजमेर शहर की जनता को जागृत करने का प्रयास किया कि किस प्रकार राज्य सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने जा रही है। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से स्वीकृत 78 लाख की लागत से भगवानगंज मुख्य फोर लेन सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ एडी अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बधेल के आतिथ्य में समारोह पूर्वक किया गया। क्षेत्रीय विधायक और मंत्री अनीता बधेल ने बताया
कि स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इन बस्तियों में विकास की गंगा बहाई जा रही है। अब तक सरकारी स्कूल के जीर्णोद्धार सहित बस्ती में विकास कार्यों पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किया जा चुका है। भगवानगंज का मुख्य मार्ग जो भगवानगंज हाई सेकेंडरी स्कूल जिस मार्ग पर स्थित है, उस मार्ग पर 78 लाख रुपए की राशि से माननीय शिवशंकर जी हेड़ा जी द्वारा आज रोड का शिलान्यास किया गया है। ये 4 लेन सड़क बनेगी, बीच में डिवाइडर बनेगा और उसके ऊपर लाइटिंग होगी। रोड से रोड बन वॉल टू वॉल रोड बनेगी और दोनों तरफ नालियों का भी निर्माण कार्य होगा। वहीं एडी अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने बताया कि भगवानगंज मुख्य सड़क को 4 लेन में बनाकर उसके बीचों बीच डिवाइडर बनाया जाएगा और उस पर लाइट्स लगाई जाएंगी। यह सड़क पहाड़गंज और अजयनगर मिसिंग लिंक योजना के तहत जुड़ जाने से चारों कॉलोनीज के लोगों को बड़ी सहूलियत मिल जाएगी। इस मौके पर क्षेत्रीय नागरिकों ने एडीए अध्यक्ष और विधायक का माला पहनाकर स्वागत किया। सभी अतिथियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर सड़क निर्माण कार्य का श्री गणेश किया। विकास प्राधिकरण की तरफ से 78 लाख रुपए की एंडअप दी हुई थी, उसके तहत यहाँ जो सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है आज से, तो यहाँ इस कॉलोनी के लिए बहुत ही आगे जाकर के एक ऐसा साबित होगा कि यहाँ जो ऐसा लगता लोगों को कि विकास नहीं होते हैं, विकास के गंगा यहाँ जो शुरू हुई आज से, वो आगे जाकर के दूसरी सड़कों को भी यहाँ से लिंक करेगी।